ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधे सुलझा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं 20 अप्रैल के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जब काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो हम ग्राउंड वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अड़चनें आती हैं। तो अड़चनें आने का कारण यह है कि हमने फिजिकली तो कर लिया, एक्शन में कर लिया, वर्ड्स के थ्रू कर लिया, लेकिन क्या हमारे थॉट्स इतने पवित्र थे? क्या हमारे थॉट्स में कुछ नेगेटिविटी, कुछ डाउट्स थे? तो उन डाउट्स को ख़त्म करने का टाइम है अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग, चाहे आप 2 बजे उठ के करें, चाहे 3 बजे उठ के करें, या लास्ट 4 बजे उठ के करें, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। उन वीड्स रूपी संकल्पों को जो कि आप बीज डालते हैं पौधे के लिए, आजू बाजू उसके दूसरे पौधे उगते हैं जो कि उसकी उन्नति को रोक देते हैं, वो संकल्प रूपी ऐसे वीड्स, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा कहते हैं इसके बारे में, देखें जरा। बाबा वरदान में कहते हैं शीर्षक में, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भवा। पुरुषार्थ तो किया हमने, मेहनत तो करी, लेकिन योग की विधि, परमात्मा से योग मतलब परमात्मा से जुड़ना, अपने मन और दिल को साफ कर देना, गलत संकल्पों को निकाल देना, हटा देना, तो वो कार्य करना जरूरी है ताकि सक्सेस मिले। बाबा कहते हैं विस्तार में, पुरुषार्थ धनी बनाती है। आपने गुड़ाई करी, अपने ईंटे निकाले, छोटे छोटे जो कंकड़ थे वो निकाल दिए, बड़े बड़े पत्थर निकाल दिए, और फिर आपने बीज डाला उसके अंदर, जब मिट्टी मुलायम हो गई आपने काम किया। इसी तरीके से आप अपने जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वह भी ज़रूरी है बाबा कहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्ति को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। चाहे वो स्पिरिचुअल सेवा हो, चाहे घर पे सेवा हो, चाहे बिजनेस में सेवा हो, हर स्थान को सेवा स्थान समझें। और अगर वहाँ के लोगों की, परिवार की वृत्ति अगर उल्टी हो, आप सेवा करना चाहें, तो आप वहाँ पे योग की शक्ति से, मेडिटेशन की शक्ति से, मन बुद्धि के जो भी नेगेटिव विचार, अपवित्र विचार हैं, डाउटफुल विचार हैं, उनको हटाएं, ताकि वो जो संकल्प आप कर रहे हैं, जो कार्य करने का जो आप ट्राई कर रहे हैं, उसकी शक्ति बढ़ जाए। तो जब व्यर्थ के विचार हटेंगे तो एक विचार जो कि सक्षम होगा वो आगे बढ़ेगा, पोटेंट होगा बिल्कुल वो विचार। तो इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा, दृढ़ निश्चय तब बढ़ता है जब एक थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा देर फोकस करते हैं, पॉजिटिव थॉट के ऊपर करने से वो पक्का हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भी करने से वो भी दृढ़ निश्चय से पक्का हो जाता है। तो दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति का, अपने परिवार का, बिजनेस में, जॉब में, उसका मन परिवर्तन हो जाए, उसकी सोच परिवर्तन हो जाए, उसके संस्कार, उसकी हैबिट्स चेंज हो जाए, तो एक तो आपने ट्राई कर लिया बोल बोल के, नहीं हुआ, अब योग के प्रयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा किया जा सकता है। जो चीज़ें करके बोल के नहीं हो पाती वो मेडिटेशन के द्वारा हो जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं, सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है, इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ। लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए, बीज मतलब संकल्प हो गया यहाँ पे, को करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। तो आप फिजिकली तो आप कर रहे हैं, बोल करके आप मनवा रहे हैं, लोगों को नहीं मान रहे, नहीं हो रहा वो काम, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप थॉट प्रोसेस, मेडिटेशन प्रोसेस से आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। जो चीज़ बोल के नहीं हो सकती वो संकल्पों की शक्ति से हो सकती है। ये करते क्या हैं, ये विधि क्या है, इसके लिए आपको 7 डेज का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, और फिर एडवांस क्लासेस करना ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।